अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपना घरों में बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं एक फ्रॉक स्टिच करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो मैंने वो पेपर पे कटिंग करके और उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है डिज़ाइनिंग को, और फिर मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ कि मैंने किस तरह स्टिच किया है। ये देखें, ये फ्रंट के पार्ट हैं। इनको मैंने पेपर बुकरम, आप जिसे भी जो भी आपकी ज़ुबान में इसे कहते हैं, उसे उसकी कटिंग करके इस तरह कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। ये देखें, अब मैं स्टिच करके फिर आपको बताती हूँ। जी ये देखें, हमने ये स्टिच कर लिया है, ये कर्ट्स हमारे जो हैं वो बन गए हैं, और मैंने ये इसको स्टिच करके यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये देखें, अब ये हमने फैब्रिक लिया है, मैं आपको बताती हूँ इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 5.5 इंच है। 5.5 इंच में से अब हमने यहाँ पे इसमें से नेक रखना है। ये देखें, इसमें से हम नेक रखेंगे, जितना हमने इसका नेक लेना है ऐसे। ये हम इसका 2 इंच का नेक रखेंगे और बाकी हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। ये मैं आपको स्टिच करके अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्टिच कर लिया, यहाँ पे अब नेक बन जाएगी और ये सेंटर, ये यहाँ से मैंने ये इतना सा ओपन रखा है। अब हम यहाँ इसकी कटिंग करेंगे। इसे ये डबल फोल्ड करके यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखेंगे, हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये नेक है, बाजू हमने इसके रखे हैं 6 इंच, आर्म होल हमने इसका 6 इंच रखा है, और टोटल इसकी लेंथ जो है वो है 20 इंच। ये सिल के 20 इंच इसकी टोटल लेंथ होगी, और मैं अब आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। ये देखें, ये बैक नेक भी बन गया है और ये फ्रंट भी। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये ड्रेस, ये फ्रॉक स्लीवलेस बनाऊं, या फिर मैं इसकी बाजू लगा दूं। लेकिन मुझे ये, जैसे कि समर सीज़न चल रहा है, तो मैं इसको स्लीवलेस बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने 1-1 इंच की यहाँ पे स्ट्रिप लगा लिया और इसे इस्त्री के साथ प्रेस कर लिया दोनों साइड पर। ये देखें जी, ये फ्रॉक रेडी हो गई है। ये देखें, ये इसकी ओवरलुक है। ये देखें,
आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।